गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास फर्स्ट में पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पर्यावरण सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है अध्याय दो। इसका नाम है पृथ्वी पर रहने वाले मेरे साथी। पृथ्वी पर रहने वाले मेरे साथी जानवर, जिनको आप सबने देखा है। सबसे पहला है हमारा घोड़ा। घोड़े का पिक आपको बुक में दिखाई दे रहा है। इसमें घोड़ा दिया हुआ है। घोड़ा क्या काम आता है? सवारी करने के काम आता है। घोड़े से सवारी की जा सकती है। घोड़ा दिखने में सुंदर होता है। घोड़ा क्या होता है? दिखने में सुंदर होता है। इससे सवारी की जा सकती है। नंबर टू, ऊंट। ऊंट, ये है ऊंट का पिक्चर। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं। ये रेगिस्तान में बहुत अच्छे से दौड़ सकता है। ऊंट की सवारी करना आप सबको भी बहुत अच्छा लगता है। ये है ऊंट। ऊंट, ऊंट का पिक्चर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है बिल्ली। देखा है आप सबने बिल्ली को? बिल्ली मौसी क्या लेने आती है ये घर में? दूध पीने। बिल्ली मौसी आती है दूध पीने। तो बिल्ली मौसी को आप सबने देखा है। इसकी आवाज कैसी होती है? माओ 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 माओ। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ 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 म्याऊ। आप सबको बहुत अच्छी लगती है बिल्ली। देखा है आपने? ठीक है, बिल्ली। नेक्स्ट है गाय। अब गाय की विशेषता बताते हुए, गाय को क्या कहते हैं? गो माता। सबने देखी है गाय को रोटी देने आप सब जाते हैं। आपने गो माता को देखा है। गो माता में सारे देवी देवता, संपूर्ण विश्व निवास करता है। इसमें दिया हुआ है पिक्चर में, गो माता में संपूर्ण विश्व, सारे देवी देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट है बकरी। बकरी का पिक आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बकरी एक पालतू जानवर है। बकरी एक पालतू जानवर है, इसको पाला जाता है। आपने गांव में, कई घरों में बकरी देखी होगी। आगे पढ़ेंगे हम भैंस। भैंस, जैसे गाय पाली जाती है वैसे ही भैंस को पाला जाता है। भैंस एक दुधारू जानवर है, दूध देने वाला जानवर है। भैंस आप सबने देखी है, भैंस दूध देने वाला जानवर है। कुत्ता, नेक्स्ट पिक है हमारा कुत्ता। कुत्ता पालतू जानवर है, कुत्ते को पाला जाता है। कुत्ता घर में क्या काम आता है? ये घर की चौकीदारी करता है और ये सबसे वफादार जानवर होता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है, ये आप सबने देखा है। नेक्स्ट बैल। बैल खेती में हल जोतने के काम लिया जाता है। बैल को खेती के हल जोतने के काम लिया जाता है। बैल भी आप सबने देखा है। हमने क्या पढ़ा आज? पृथ्वी पर रहने वाले मेरे साथी। अब इनमें से पृथ्वी पर कौन कौन रहता है इसके पिक्चर आप सबने देखे। एक बार रिपीट करेंगे। पहले घोड़ा। घोड़ा आपने देखा, घोड़ा दौड़ता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। सेकेंड है ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है और ये रेगिस्तान में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके गद्दीदार पैर होते हैं। बिल्ली, बिल्ली भी पृथ्वी पर रहने वाली हमारे साथियों में से एक जानवर है। तो बिल्ली को भी आप सबने देखा है। गाय, गोमाता को हम सब डेली प्रतिदिन देखते हैं और उसको रोटी भी खिलाते हैं। गाय एक दुधारू जानवर है, दूध देने वाला जानवर है, इसको हम गोमाता कहते हैं।
बकरी, बकरी को आप सबने देखा है, गांवों में सब घरों में बकरी पाली जाती है और ये भी एक दुधारू जानवर है। भैंस, भैंस भी एक दुधारू जानवर है, ये काले रंग की होती है और इसको भी पाला जाता है। कुत्ता, कुत्ता एक वफादार जानवर है, इसको भी पाला जाता है और ये भी एक पृथ्वी पर रहने वाला हमारा साथी है। बैल, बैल हल जोतने के काम आता है और ये भी पृथ्वी पर रहने वाला हमारा साथी है। आप ये सारे नाम लर्न करेंगे। धन्यवाद।